अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं उमर। और नाज़रीन, इस वक्त मैं हूं दुबई के ऐसी जगह पे जहां पे इंडियन पाकिस्तानी शॉप्स बहुत सारी होती हैं और इसे मीना बाज़ार भी कहा जाता है। यहां पे लेडीज़ के कपड़े ख़ास तौर पे बहुत ज़्यादा मिलते हैं। अभी फ़िलहाल मैं पी रहा था यहां पे कड़क चाय। दुबई की ये जो चाय मिलती है ना, बहुत ही मज़े की होती है। चाय पीते पीते चलते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ ये एरिया जिसको मीना बाज़ार भी कहा जाता है। यहाँ पर पाकिस्तानी खाने आपको मिलेंगे, मोस्टली आपको इंडियन पाकिस्तान के लोग यहाँ पे ज़्यादा नज़र आएंगे। तो यहाँ पे क्या क्या मिल रहा है, कैसी दुकानें, चलें एक नज़र देखते जाते हैं। न्यू विलेज स्टार, ये देखिए घड़ियाँ, परफ्यूम वगैरह, ग्लासेस वगैरह, क्या क्या मिल रहा है, वॉचेस, सनग्लास, लेडीज हैंडबैग्स हैं। सही है, सही सही, चलो ठीक है, थैंक यू। तो ये चीज़ें पड़ी हैं, फिर आगे इस तरह की बुटीक वगैरह है। ये देखिए इस तरह की लेडीज़ की इंडियन साड़ी वगैरह भी है। फिर उसके साथ ही आप देखेंगे यहाँ पे पाकिस्तानी सूट्स वगैरह भी मिलते हैं। इनकी दुकानें बहुत हैं और मुनासिब प्राइसेस हैं यहाँ पे, और डिज़ाइन वगैरह भी इनके अच्छे हैं। फिर ये है मधुरा स्वीट एंड मील, यहाँ का खाना बड़ा मज़ेदार लग रहा है। तो दुबई शारजा वगैरह की तरफ जो खाने मिलते हैं ना, बहुत ही मज़े के होते हैं। ये समोसे देखे तो दिल कर रहा है कि बंदा यहाँ पे रुक के समोसे खाए। असल में बात ये है कि मैंने ना बहुत ही समोसे चीज़ें खा ली हुई हैं। शुरू के जो दिन थे, मैं यहाँ पे इंडियन खाना, पाकिस्तानी खाना बहुत ज़्यादा खाया है। उसके बाद से मेरा पेट भर चुका हुआ है और मैं डाइटिंग के ऊपर हूँ। ये देखें जी, आपको माहौल देख के बिल्कुल ऐसा लगेगा कि आप जिस तरह इंडिया पाकिस्तान में, इस तरह की गलियां हैं और सब यहाँ पे उर्दू बोलते हैं, हिंदी बोलते हैं। तो ये गलियां यकीन नहीं होता कि ये दुबई है। जिन्होंने पाकिस्तान के कपड़े वगैरह, लेडीज़ के लिए ख़ास तौर पे जो कपड़े वगैरह मीना बाज़ार शॉपिंग करना कोई चाहता है तो वो यहाँ पे आए, तो अच्छी प्राइस में डिसेंट आपको चीज़ें यहाँ पर मिल जाएंगी। फिर ये जूते वगैरह भी, एक्सेसरीज भी मेरी हैं, चूड़ियाँ, अच्छा डिज़ाइन है इनका। ये कितनी लाइटिंग वाली दुकान है। ओ तो फुल लाइटिंग की हुई है, ये लाइट्स वगैरह सेल करते हैं। और गाड़ी भी देखें कितनी ज़बरदस्त खड़ी है यहाँ पे। तो दुबई में तो इसी तरह रोड साइड पे गाड़ियाँ लोगों ने खड़ी की होती हैं। तो वैसे तो मैं सुबह का यहाँ पे आया हूँ, लेकिन मैं सोचा कि मैं वीडियो भी बना लेता हूँ ताकि जो मेरे देखने वाले हैं उन्हें भी इस एरिए के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन मिले कि दुबई में भी ऐसी जगह होती हैं जहाँ पर आप पाकिस्तान की चीज़ें, इंडिया की चीज़ें, कपड़े वगैरह आप खरीद सकते हैं। नहीं, कितना अच्छा डिज़ाइन है। और जब आप कोई स्टाइल वगैरह पसंद करते हैं तो ये सारा का सारा आपके साइज़ के मुताबिक आपको जो यहाँ पे दर्जी होते हैं बना के देते हैं, तो परफेक्ट साइज़ की चीज़ आप यहाँ से बाय कर सकते हैं। हॉलीवुड, ये भी एक शानदार दुकान है, 10-10 दरम की दे रहे हैं। देखिए तो ये है गलियां दुबई की। तो ये हैं दुकानें और यहाँ पे अच्छा लोग क्रिकेट खेल रहे हैं। ये खाली एरिया है तो यहाँ पे पाकिस्तानी इंडियन लोग इकट्ठे होके क्रिकेट खेला जा रहा है। और ये तमाशाई भी हैं, तो बिल्कुल माहौल ऐसे ही पाकिस्तान इंडिया वाला माहौल बनाया हुआ यहाँ पे। तो मुझे तो देख के बड़ा मज़ा आ रहा है। ये सात दुकानें हैं, खाने पीने की दुकानें हैं, बहुत सारी बुटीक वगैरह, कपड़े आप यहाँ से खरीद सकते हैं। एक इधर पिच बनी हुई है, एक उधर पिच बनी हुई है,
एक वहाँ पे पिच बनी हुई है, तो 3-4 पिचें बन के यहाँ पे क्रिकेट खेला जा रहा है। फिर ये आगे है सुपरमार्केट और उसके आगे है ये योनेक्स। अच्छा, योनेक्स की दुकान यहाँ पर है। तो जापान में मैं बैडमिंटन खेलता हूँ, आप सब जानते हैं। तो कल भी मैंने यहाँ पे दुबई में आके भी बैडमिंटन खेला था और यहाँ पे योनेक्स की दुकान है। तो बैडमिंटन का मेरे ख्याल रैकेट वगैरह शूज़ भी यहाँ पर मिल रहे होंगे। तो यहाँ पे तो सिर्फ वॉक करने का भी मज़ा आ रहा है क्योंकि जापान से टोटल डिफरेंट यहाँ का माहौल है। शाइनिंग ब्लू स्टार इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान है, फार्मेसी है, इलेक्ट्रॉनिक की दुकान, फिर एक और इलेक्ट्रॉनिक की, फिर उसी दरमियान में खाने की भी दुकान है। तो इस तरह हर किस्म की दुकान आपको यहाँ पे मिल जाती है। और ये एक और फिर कैफ़े है, खाने पीने की दुकान है। तो चलिए इस तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर जब मैं चाह रहा हूँ तो मुसलसल उर्दू ही सुनाई दे रही है, हर बंदा यहाँ पर उर्दू बोलता है तकरीबन। फिर ये एमरेट्स वगैरह फ्लाई दुबई, यहाँ से आप टिकट्स वगैरह बुक करा सकते हैं, ऐनक यहाँ से बना सकते हैं। और इनकी जो प्राइसेस हैं वो भी मुनासिब होती हैं, रेट आप इनसे ख़ुद बना सकते हैं, अच्छा रेट होता है इनका। ये देखिए एक और रेस्टोरेंट। फिर एक और ट्रैवल्स एंड टूरिज़म। तो इस तरह की दुकानें मुसलसल आपको नज़र आएंगी। तो अगर आपको भूख लगी है तो यहाँ पे आप आएँ, मज़ेदार पाकिस्तानी खाना, इंडियन खाना आपको मिलेगा। अगर आपको कपड़े चाहिए तो यहाँ पे आप आएँ, आपके साइज़ के ये कपड़े टेलर आपको बना के देंगे, परफेक्ट साइज़ के कपड़े, देखने में भी अच्छे हैं और यकीनन पहनने में भी अच्छे होंगी। ये देखिए स्टाइलिश है ना, स्टाइलिश इंडियन मसाला रेस्टोरेंट। इसका बोर्ड कितना अच्छा बनाया इन्होंने, डिजिटल बोर्ड है, बाकी यहाँ पे किसी का इतना डिजिटल नहीं था, इन्होंने डिजिटल बोर्ड बनाया हुआ है, इंडियन मसाला रेस्टोरेंट। और ये नए मॉडल की रेंज रोवर खड़ी है सामने। वाओ, फ्रेश एंड फ्रोजन मीट। देखिए यहाँ पे ज़िबा की जा रही है मुर्गियाँ, बकरे वगैरह यहाँ पे ज़िबा किए जा रहे हैं, फ्रोजन मीट का जो काम हो रहा है यहाँ पे गोश्त का। तो ताज़ा फ्रेश गोश्त आप यहाँ से लेके जा सकते हैं। फिर आगे चलते जाएं तो गोलगप्पे नज़र आएंगे आपको, समोसे नज़र आएंगे, पिज़्ज़ा, बर्गर, देखते ही भूख लग जाती है इंसान को। इस दुकान में एक मुझे भाई मिल गए थे, उन्होंने मुझे पहचान लिया, कहते आप जापान से हो, मैंने कहा बिल्कुल, तो उनके साथ सलाम दुआ होगी। उन्होंने इस इलाके के बारे में बड़े अच्छे तरीके से गाइड किया है। ये है अमीना बाज़ार का एरिया। ये गाड़ी कितनी खूबसूरत है, नाइस अमेरिकन गाड़ी है, बहुत बड़ी, और इसका नया मॉडल है, तो बड़ी प्यारी गाड़ी है। तो ये है मीना बाज़ार का एरिया। बाकी आप और उस तरफ अगर जाएंगे तो आपको कपड़े की दुकानें, गोल्ड की मार्केट आपको मिलेगी जो कि बहुत फेमस है, अक्सर लोग यहाँ पे शॉपिंग करने आते हैं। तो मेन ये शॉपिंग करने के लिए बेस्ट एरिया है, पाकिस्तानी इंडियन लोगों के लिए शॉपिंग करने का बेस्ट एरिया है ये मीना बाज़ार। चाबियाँ भी बन जाती हैं यहाँ पे, स्पेयर की वगैरह। अंकल जी भी यहाँ पे काम कर रहे हैं।
ये देखे रोड पे आप चाह रहे हो ना इस तरह चरगा घूम रहा होता है। इसको देख के बंदे का दिल करता है कि रेस्टोरेंट में घुस जाए, इतना मज़े का लग रहा होता है ना ये। लेकिन क्या करें, हर वक्त यहाँ पे ना पेट भरा होता है क्योंकि कुछ ना कुछ बंदा मुंह में डालता रहता है। अभी मेरा पेट भरा हुआ है इसलिए मैं रेस्टोरेंट में तो नहीं जाऊँगा। तो नाज़रीन ये है दुबई का मीना बाज़ार का एरिया जहाँ पे आज मैंने वॉक की है और मुझे बहुत ही मज़ा आया। वैसे बहुत ही गर्मी थी, मैं थक गया हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। मैं सुबह से यहाँ पे था, वीडियो मैंने थोड़ी शाम को स्टार्ट की है लेकिन मैं सुबह से यहाँ पे था, शॉपिंग मैं काफ़ी की है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं फिर और वीडियो में। आज के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।